मालाखेड़ा क्षेत्र के भड़कोल गांव में काली पहाड़ी के बाद सिवाचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को तहसीलदार और पुलिस जाप्ते ने जेसीबी से ढाह दिया। इस दौरान कई पक्के मकान तोड़ दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश की पालना के तहत यह कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में बेघर हुए पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़कोल के गांव काली पहाड़ी में सिवाय चक और गैर मुमकिन पहाड़ जमीन से हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में मालाखेड़ा तहसीलदार मिथिलेश मीणा ने पुलिस की मौजूदगी में प्रभाती यादव के पुत्र भागचंद और फूलचंद तथा मुखराम यादव राम खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। काली पहाड़ी गाँव में सिवाय चक भूमि पर मजदूर तबके के इन लोगों ने मकान बना लिए थे। इस पर स्थानीय एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर मामला दर्ज करवा दिया, जहां जांच पड़ताल के दौरान यह सामने आया कि यह भूमि सिवाय चक गैर मुमकिन पहाड़ में है। इस पर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को अतिक्रमण मुक्त करवाने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर के आदेश हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना में मालाखेड़ा तहसीलदार ने अतिक्रमियों को कुछ माह पूर्व नोटिस भी जारी कर दिए और मकान हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान वादीगण द्वारा हाई कोर्ट में उनके निर्देशों की पालना नहीं होने के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर मालाखेड़ा तहसीलदार पुलिस बल के साथ बुधवार को काली पहाड़ी गांव पहुंचे और मौके पर पक्के मकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया और तीन मजदूर श्रमिक लोगों के घर परिवार बेघर हो गए और उनका सामान घरों से बाहर फेंक दिया गया। मकान तोड़ने से लाखों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया। खाने पीने का तथा अनाज तक उसी में दबकर खराब हो गया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि हमें समय नहीं दिया गया, यहां से अतिक्रमण हम खुद हटा लेते और हमारा सामान भी बच जाता, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे। इस दौरान महिलाएं रोती और बिलखती हुई नजर आई।